भूषण ज्वेलर्स। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्रंग मंडल द्वारा पधर बाजार में नमो टी स्टॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत युवा मोर्चा के साथियों ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नमो टी स्टॉल का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा आज तक के सभी विकासात्मक कार्यों की चर्चा लोगों के बीच में करना था और सभी युवा युवतियों से नमो ऐप डाउनलोड करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना तथा नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना था। इस अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 150 लोगों से नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया तथा समस्त लोगों को पर्चे बांटकर मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा के नेतृत्व में बूथ स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के सभी 74 मंडलों में नमो टी स्टॉल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पद्धर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफलतम रूप से आयोजित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए समस्त युवा व युवतियों को नमो ऐप इंस्टॉल करवाना, myBharat.gov.in पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना व नरेंद्र मोदी सरकार की सभी विकासात्मक उपलब्धियों का बखान जो है समस्त युवा वर्ग व आए हुए आगंतुकों के मध्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पैम्पलेट बांट कर किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले लगभग 9 वर्षों से अधिक के समय में नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी विकासात्मक कार्य प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करवाने के लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के रहते किए हैं, उन सभी का प्रचार व प्रसार करना भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेन उद्देश्य था। साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथ बूथ जाकर नरेंद्र मोदी जी की विकासात्मक योजनाओं को, उनकी अब तक की उपलब्धियों का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EN TV।